हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? तो दोस्तों, आजकल गर्मी तो बहुत बढ़ रही है नॉर्थ इंडिया में स्पेशली। इट इज़ गोइंग अराउंड 38 डिग्री टेम्परेचर। तो अब बात यह है कि भैया, कूल और रिफ्रेशिंग वो तो चाहिए हमें, कॉकटेल्स चाहिए, और जनरली आपका हाथ बियर की तरफ चला जाता है। बट ऐसे आजकल मेरे दोस्त हैं, या आप लोगों में से भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हेल्थ कॉन्शियस तो हैं ही, बट कैलरी कॉन्शियस भी हैं, बिकॉज जिम जा रहे हैं या घर पे वर्कआउट कर रहे हैं। सो दे डोंट वांट के वो बियर बेली निकल आए, जैसे कि मेरी भी थोड़ी निकल आई है। तो वो बोल रहे हैं कि बियर नहीं चाहिए, लेकिन कूल और रिफ्रेशिंग कोई कॉकटेल बताओ जिसमें कैलरीज भी कम हो और आपको मज़ा भी आए पीने में, अच्छा भी लगे। तो आज का जो हमारा ड्रिंक है वो ऐसा ही है सर। वो ऐसा है कि G&G रखा है मैंने इसका नाम, जो कि जिन एंड जिंजर बियर है। अगर आपने मेरा पहला वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने जिन एंड टॉनिक बनाया था, तो अगर नहीं भी देखा तो मैं ऊपर सजेशन में उसका लिंक दे दूंगा, आप देखिएगा जरूर। और आज हम जो बनाने जा रहे हैं वो G&G है, विच इज़ जिन एंड जिंजर बियर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लार्ज आइस क्यूब्स ले लेते हैं, 2 or 3 बहुत है। इसको यहाँ रख देते हैं ताकि ये चिल भी होता रहे, इन द मीन टाइम हम अपना बनाते रहेंगे। एंड लंडन्स ड्राई जिन मैं यूज़ कर रहा हूँ, गॉर्डन्स, क्योंकि गॉर्डन्स मेरी जनरली फेवरेट रहती है डे टू डे लाइफ में। अदरवाइज आप टैंकरे भी यूज़ कर सकते हैं, बॉम्बे सैफायर भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपकी फेवरेट हो। 60 ml मेन इन्ग्रीडियंट्स ऑन द रॉक्स। ऑन द रॉक्स डालते तो मज़ा आता ही है, एकदम बर्फ के अंदर जब वो मिक्स होता है। एंड थोड़ा सा लेमन स्क्वीज करेंगे, हाफ काफी रहेगा मेरे हिसाब से, इससे एक बड़ा अच्छा फ्लेवर आएगा। एंड हमारा सेकंड इंग्रेडिएंट जिंजर बियर। तो ये गन्सबर्ग की जिंजर बियर है, बड़े सारे ब्रांड्स की आजकल आती है, आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं। मेरे को इसका टेस्ट ठीक लगता है तो आज मैं ये यूज कर। इसको टॉप अप कर देते हैं। थोड़ा सा स्टर, ये बन गई आपकी जिन एंड जिंजर बियर। जिंजर बियर का फायदा ये है, कैलरी इसका कम ऐसे होता है कि जनरली आपने सुना होगा जिंजर एल आते हैं, श्विप्स के आता है और भी ब्रांड्स के आते हैं। तो जिंजर एल जो होता है बेसिकली वो कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक होता है, जिसमें कि शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। और यहाँ फिर अगर आप जिम के साथ में और पाइनएप्पल जूस या कुछ और जूस डालते हैं, तो जनरली उसमें भी आर्टिफिशियल फ्लेवर्स होते हैं, प्रिजर्वेटिव होते हैं, शुगर कंटेंट ज़्यादा होता है, तो इस वजह से वो कैलरी बढ़ जाती है ड्रिंक की। बियर, जिंजर बियर इस वजह से बेटर है क्योंकि ये ब्रूड होती है, बियर इज ऑलवेज ब्रूड, तो आपका जो कैलरी इंटेक है वो हमेशा कम रहेगा, आपको पीने में भी मजा आएगा एंड जल्दी बन जाती है, ज्यादा इंग्रेडिएंट नहीं चाहिए। यू जस्ट नीड जिन, जिंजर बियर एंड सम लाइम, दैट्स इट। सो चीयर्स गाइस।